अस्सलाम वालेकुम, आसाफ डिजिटल के साथ मैं हूँ हलीमा जुल्फिकार। बॉलीवुड अदाकारा ट्विंकल खन्ना ने कहा है कि वो दुनिया की कम उम्र तरीन नोबल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी तालीमी रहनुमा और इंसानी हकूक की कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई से गुफ्तगू करते हुए आप दीदा हो गई। तफसीलात में जाने से कब आप सबसे गुजारिश है कि हमारा चैनल आसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ आप तक बवक पहुँचती रहें, और डेली आसाफ को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लें। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करके फारिग होने वाली मलाला यूसुफ़ज़ई ने साबिक बॉलीवुड अदाकारा ट्विंकल खन्ना के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू में हिस्सा लिया था। ये गुफ्तगू एक वर्चुअल टॉक का हिस्सा थी जो अदाकारा से मुसन्निफीन के इकदामात की पहली बरसी के मौके पर मुनक्कित की गई थी। एक रोज़ा सरबराही इजलास में विद्या बालन, ताहिरा कश्यप, चेतना सिंह गाला, सुधा मर्टी समेत दीगर शोबों की खवातीन शामिल थीं। मलाला जो एक कारकुन और तालबे इल्म के मुतद्दक किरदारों को जगाती हैं और अपनी तंजीम मलाला फंड का नज़्म व नस्क संभालती हैं, उन्होंने अपनी बाइख्तियार कहानी शेयर की और इस बात पर तबादला ख्याल किया कि तनकीद के बावजूद उन्हें किस चीज़ से हौसला मिला। ट्विंकल खन्ना अब कहती हैं कि मलाला से बातचीत करने से उनकी आंखें बंद हो गई। ट्विंकल ने नोबल इनाम याफ्ता और सबसे कम उम्र इनाम याफ्ता पाकिस्तानी कारकुन मलाला का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए इंटरव्यू लिया था। ट्विंकल का कहना है कि मलाला के साथ इंटरव्यू सिर्फ ऑडियो होना था, जैसे ही मैंने इसे रिकॉर्ड करना शुरू किया वो वीडियो पर मुंतकिल हो गया। मैंने जल्दी से अपने बालों को पीछे कर दिया और जल्दी से अपनी आंखों में काजल लगा लिया, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि इनकी कहानी सुनने से सबकी आंखों में आंसू आ गए। इंटरव्यू के दौरान मलाला ने BBC के लिए ब्लॉग लिखने का वो वक्त भी याद किया जिसमें गुमनामी की सूरत हाल को उजागर किया गया था, लेकिन मौत की धमकियों के बावजूद वो ये ख़तरा क्यों मोल लेंगी। उनका कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रिस्क लेकर रहा करूँगी, क्योंकि तनाज़े की वजह से हम पहले ही ख़तरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर रात मैं तालिबान के खौफ में सोया करती थी क्योंकि वो आपके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देते और किसी को भी मार सकते हैं। हैरत ज़दा ट्विंकल खन्ना ने पूछा कि 11 साल बच्चे को ये एहसास कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जिसने आपकी इस जगह की तरफ रहनुमाई की होगी। मलाला ने जवाब दिया कि मेरे वालिद मेरी हौसला अफजाई कर रहे थे। ट्विंकल खन्ना ने हाल ही में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्विंकल इंडिया पर मलाला यूसुफ़ज़ई का इंटरव्यू लिया था। ट्विंकल खन्ना ने बताया कि मलाला के साथ इंटरव्यू ऑडियो होना था, लेकिन जब मैंने इसे सेट किया तो वो वीडियो पर मुंतकिल हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें।